Assalamualaikum and welcome to another HBK reaction video. Guys, मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूवर्स और मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे और अपने घरों पर सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा ले रहे होंगे और अपनी सेफ्टी का खास तौर पर ख्याल रख रहे होंगे. तो चलते हैं आज की अपनी न्यू वीडियो के ऊपर. मगर सबसे पहले मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी रमजान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये रमजान अच्छे गुजरे और आप सब सेफ रहें. तो चलते हैं अपनी न्यू वीडियो के ऊपर जो कि होने लगी है दी इडियट्स के ऊपर. गाइज, रिसेंटली अपलोड की है उनने वीडियो जिसका टाइटल है बीमार शैतान. तो चलते हैं देखते हैं कि कैसी उनने वीडियो बनाई है. मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भाई कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूं, तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर भाई मेरी बात नहीं सुन सकते तो आपको अभी एक और बंदा बताएगा जिसका नाम है अजय भैया, तो उन्हीं की सुन ले. इसका कसूर है कि इसने एचपी के रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया. मैं करने लगा था, तुम सारों ने मुझे रोका. मैं कर दूंगा, मुझे छोड़ दो. अरे लेट तो हो गए ना. मैं कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें. मैं कर दूंगा, प्लीज प्लीज इनको कहो मुझे जाने दें. और मैं कर दूंगा, कोई भी ना मुझे पकड़े. रोको, बचाओ, मैं कर दूंगा. अब तो हर किसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं. मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दी इडियट्स की इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जाके उनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, काफी अच्छी इंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं. तो देखते हैं कि कैसी वीडियो बनाई है. लो जी, गौरी आया है. ओके, अच्छा, दो शैतान बैठे हैं और आपस में भाई पत्ते खेल रहे हैं. हाँ भाई, पत्ते खेले जा रहे हैं. जबरदस्त, कौन जीत रहा है? बॉस, मैं जीत रहा हूँ. इसकी तो खाली दुग्गी तिग्गी आ रही है. अच्छा अच्छा, वैसे खाने के लिए लाऊं तुम लोगों के लिए कुछ? गाइस, इस तरह की वीडियो इनने पिछले रमजान में भी बनाई थी, जब वो रमजान पॉइंट्स इनने न्यू बनाई थी, वो भी काफी अच्छी थी. खेलने के लिए रखा हुआ तुम लोगों काम पर. अब दुनिया में सब गुनाह करते हैं ना, हमारा काम तो खत्म हो गया. नेकी करने वाला कोई बचा ही नहीं है. हैं? दफाओ जाकर और जाओ गुनाह करवाओ लोगों से. यही पीक टाइम है रमजान आने वाला. चलो, शैतानों ने भाई अपना टारगेट रखा हुआ है. तू बोल, नहीं बोलना. ए, क्या तू बोल लगाया हुआ है. तुम बोलो छोटे, क्या बात है. बॉस, आपको तो पता है ना सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, इसलिए हम दोनों ने अपने आप को घर में बंद किया हुआ है. भाई शैतानों ने भी अपने आप को घर में कैद किया हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. हां यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई. चलो भाई, एंजॉय द गेम. ये क्या भाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी फारिक टॉपिक कराते हुए? अबे भाई, सदियों से शैतान इस दुनिया में है. हमारे सामने पता नहीं क्या क्या आया और क्या क्या किया. वर्ल्ड वॉर 1, 2, फ्लू, टीबी, एड्स, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या सारी बीमारियां हमारे सामने आई है. 1200 साल से हूं इस दुनिया में, सब कुछ देखा है मैंने, और ये छोटा सा कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? याद रखो, कोरोना शैतान को नहीं, शैतान कोरोना को लगता है. लेकिन बॉस, कोरोना की वजह से तो लोग वैसे ही घर में बैठे हैं, अपना काम तो आधे से ज्यादा आसान कर दिया है ना. आसान नहीं कर दिया बेटे, और मुश्किल कर दिया है. थ्योरी को समझ नहीं लग रही है कि क्या सोच रहे हैं. और चिल करेंगे तो गला सूखेगा ना मेरा. जाओ जाकर मेरे लिए चील का खून लेकर आओ. चील का खून? मैं तो नहीं लगा वो शैतान. वो 3 days लेते. So guys, 14 दिनों के बाद देखते हैं. बॉस, हमने कहा था ना कोरोना बहुत. ओ भाई, शैतान को कोरोना हो गया. बॉस, वो तो शुक्र है आपकी बात सुन के हम बाहर नहीं गए, वरना हम भी आज यहीं पे लेटे हुए होते. इस बार आप गलत थे. भाई सेटअप तो भाई इनने बहुत जबरदस्त बनाया है. पीछे इनका बैकग्राउंड देखें, शैतान हाउस और तकिया खास तौर पे देखें, वो तो भाई बिल्कुल शैतान उसके ऊपर बनाया हुआ है. मगर एक चीज की कमी है. क्या? सांप का बच्चा. सांप का बच्चा? सांप को ओ तेरी चलेगा जल्दी कर. सो शैतान के लिए दवाई बनाई जा रही है
देखते हैं शैतान के ऊपर असर करती है कि नहीं। ये ले बॉस, डिस्कस्टिंग दवाई तैयार हो गई है, मेरी 800 साल की रिसर्च है इसमें, आप इसको पी लें और 10 सेकंड बाद आप उठ के नाचने लगेंगे। एक, दो, तीन, चार, छः, पाँच, सात, आठ, नौ, दस, इसकी 800 साल की थ्योरी काम नहीं आई भाई, शैतान उल्टा और बीमार हो गया। दिस मीन कोरोना वायरस इज मच ग्रेटर देन, और सही दवाई बना के लेकर आओ हिज 800 इयर्स फॉर्मूला। अगर मेरे अंदर से किसी जानवर की आवाज निकली ना तो तुझे मैं बर्फ के गोले मारूंगा, निकल यहां से। सही जा रहे, ये सब क्या पहना हुआ तुम लोगों ने? शैतान शैतान से सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। दिखा दी ना औकात, मतलब जिसने इतना साल पाला पोसा खिलाया पिलाया उसी के सामने ये मांस। चलो उतारो सब, उतारो। सॉरी बॉस, वो न्यूज में बता रहे थे कि 6 फुट दूर रहना है और मास्क वगैरह पहनना है। शैतान भी भाई जियो न्यूज देखते होंगे आई थिंक सो, है ना? नहीं नहीं बॉस, आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये जूस पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बाहर में जाइए, जूस बच्चों वाले जूस मुझे नहीं पीने, जाओ जाकर मेरे लिए चील का खून लेकर आओ, जाओ दफा हो। तो भाई शैतान की बॉस ने बेइज्जती कर दी है, दो चेले काफी अब डिप्रेस हो गए। अबे यार एक उनसे इतने प्यार से बात करो, उसके बाद भी जलील कर देते हैं यार, इतने सालों का साथ है यार हमारा, उसके बाद भी जलालत। यार समझ तो मैं दिल की बात कह दी है, मैं भी यही सोच रहा था, और मुझे नहीं लगता बॉस बच पाएंगे जिस तरह की उनकी हरकतें चल रही हैं, और अगर ये मर गए तो तमाम शैतानों के सरदार। मास्टर प्लान भाई, सीआईडी को बुला लो, कत्ल होने लगे। मेरी लश दादा, फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी, चल आ जा, चल। दबा, दबा, तो दो चेलों ने प्लान बना लिया कि भाई कत्ल करने हैं बॉस को ताकि उसकी जो पोजीशन है वो हासिल कर सके। तो अंदर बुला लूं पहले? ग्रेट मैन, किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है? किसने बॉस, किसने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाया था? अच्छा, बहुत एडवांस शैतान लगाया था। हमारे आका, हमारे बॉस बहुत शदीद बीमार है, उनको कोरोना वायरस हो गया है, आप लोगों से बहुत बदगुमान होके आप लोगों गुनाहों में लगा सकें, और हाँ शैतान आपको ये मैसेज शेयर करने से नहीं रोकेगा क्योंकि वो बीमार है। जाओ यार उसको अंदर। सही, कराची वाइंस। और गुरुजी, व्हाट्स अप, हाउ इज योर हेल्थ? औकात मेरा हो। अरे गुरुजी, मतलब मैं कह रहा था कि क्या हो गया, मतलब इतनी तबीयत खराब हो गई आपकी? बस यार, कोरोना ने हमारी भी ले ली है। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? गुरुजी क्या चलेगा, बस हम तो सुबह शाम आपकी सेहत याबी की दुआएं कर रहे हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाए, वरना वैसे ये बंदा कौन सा करेक्टर प्ले कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब 10 वाला मास्क 50 में, 200 वाला सैनिटाइजर 2000 में, हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने का फायदा उठाया। सो बिजनेसमैन बना हुआ है और शैतान का पैरोकार है, जो बेस्ट ऑफ लक। बस गुरुजी आपकी बद्दुआएं, दुआएं भाई दुआएं, धंधा इतना जबरदस्त चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, मतलब लोग एक दूसरे को कत्ल करने पे तुले हुए अगर सैनिटाइजर और मास्क ना मिले। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। तुम मेडिकल इंडस्ट्री में हो ना, ये इसकी दवाई बनाई है कोई या नहीं? गुरुजी दवाई तो हमने एक हफ्ते में बना ली थी, मगर हमारे चेयरमैन है ना, उन्होंने दवाई छुपा ली। हमने बोला भाई लोगों को बताओ क्या करना है, बोले मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना। ऐसे सही कर रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना सारा सैनिटाइजर और मास्क का जो स्टॉक है वो कब बेचेंगे हम अगर कोरोना खत्म हो गया? बहुत हरामी है तू, बहुत हरामी है। बस गुरुजी आप ही के सीखे में। लानत हो, लानत हो, लानत हो, लानत हो। चल चल लगे रहो, चुप के रखो है। दवाई रेडी, इस बार तो आप देख भाई, बात सुन, अगर तो ये दवाई 100% काम करती है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर, वरना इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? रामी बॉस, एक और बंदा आपको देखने आया है। एक तो इसका स्टेटस भेजो। ये आ गया मेरा चीता, मेरा शहजादा,
मेरा गड्ढा, सबसे फेवरेट इंसान है तू। और बता क्या चल रहा है आजकल लॉकडाउन में, डंडे वंडे मार रहा है या हा? अरे बॉस, डंडे मार के क्या मिलता है, खांचे तो बंद हो गए ना अपने, और हम मार इसलिए थोड़े रहे कि लोग घर में बैठे, बल्कि साहब इसलिए मार रहे हैं कि रिश्वत बंद हो गया, ड्यूटी सख्त हो गया, गुस्सा आता है और लोगों को डंडे मारते हैं। खैर साहब, आप सुनाए आगे का क्या प्लान है। शैतान से गाइडेंस लेने आए हैं भाई, पुलिस वाले और बिजनेसमैन के, हम क्या बता रहे हैं कि हमने भाई की हुई है भाई जात, मगर बेच रहे नहीं, क्या पता कितना फैक्ट है, कुछ हो भी सकता है, कुछ कंपनीज ने क्या बनाया हो, कोई ताल्लुक नहीं है जब तक मैं सही नहीं हो जाता। बाकी ये है कि कोई आगे पीछे ना हो तो लॉकडाउन में भी घूमने दो, 500,000 रुपए ले लो और खांचे बनाओ, बोल दो कि इस गली से चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं होगा, देख लो यार अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता। अरे साहब आपके पास है कोई आइडिया ना मिले साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर बॉस, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपके लिए बदुआ करूँगा साहब। लानत साहब, लानत, लानत, लानत हो, लानत हो। ओ डॉक्टर कुछ बना दे भाई, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब ही हो जा रही है। ओ डॉक्टर आजा भाई, जो भी बनाए पिला दे, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अब काम करेगा ना ये? ये बड़ा फ्रॉडी डॉक्टर है भाई, ये कितनी जितनी दफा भी उसे पिलाया था उसे फ्रॉड करो। भाई चलो नहीं अपना गाँव का दे, कुछ ना कुछ मिला दिए। आई थिंक शैतान गया। बैठो बच्चों और मास्क लगा लो और थोड़े फासले पर बैठना। देखो बच्चों, मैं 400 साल दार हूँ और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन उन 400 साल से पहले मैं 800 साल तक गुलामी भी कर रहा था। और ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होती है, उठाने पड़ते हैं कदम। लेकिन अब इस बीमारी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेरे बाद अब तुम लोगों का सरदार कौन होगा। अरे बॉस आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, वो हम दोनों ने आपस में फैसला कर लिया। मेरा एक बेटा है जो यूरोप और अमेरिका है। शैतान अपनी सैड स्टोरी सुना रहे और सैड स्टोरी में उसने क्लाइमेक्स डाल दिए दोनों के लिए। भी उसकी ऐसी खिदमत करनी है जैसी मेरी करते आए हो। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद मर गया तो। ओ अच्छा, बदुआओं में याद रखना, ठीक है, याद तो रखना। शैतान है भाई शैतान, बदुआओं में याद रखना, ठीक है। वो देख बॉस के लिए नई दवाई बना के लेके जा रहा है। डॉक्टर जरा, और दोस्त बॉस के लिए नई दवाई लेके जा रहे हो? यार एक काम करते हैं ना, तुम हर दफ़ा दवाई लेके जाते हो, हर दफ़ा जलील होते हो, इस बार कुछ नया करते हैं, हम दवाई लेके जाते हैं, अगर कुछ होगा तो हम ही जलील होंगे। शुक्रिया मेरे शैतानी भाई, कोई ना कोई करेंगे। शैतानों का भाई मास्टरमाइंड प्लान चाह रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस फटे नहीं है अभी तक, देखते हैं। काफी मजे की वीडियो बनाई है। इंटरेस्ट अभी तक लूज नहीं हुआ। बॉस, डॉक्टर ने आपके लिए नई दवाई भेजी है, वो कह रहा था इस बार आप पी लें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसी उम्मीद के साथ शैतान हमेशा पीता और हमेशा ही साल से हुकूमत कर रहा था ना, अब क्या हो गया तुझे? तेरे बच्चों की गुलामी करेंगे हम, अब ऐसी तड़प तड़प के मार। ये तो 90s की फिल्म की तरह भाई के जहर दे के मार दिया और इसका बिजनेस ओवरटेक कर दिया, उस तरह ही कंसर्न है। मतलब आधी आधी दुनिया डेमोक्रेसी। अरे मेरे कल
मेरे कल डॉक्टर, ओ डॉक्टर भाई, क्या मिलाया था तूने दवाई में? अबे जो भी मिलाया था बड़ा अच्छा मिलाया था। आज से तू मेरा फेवरेट चेला है और तुम दोनों इसे रिपोर्ट करोगे। तेरी सैलरी डबल, सब कुछ डबल, तू हेड ऑफ शैतान है, तू समझा? डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की जिस तरह ठीक हो गए। खैर अब आगे बताएं, आगे का क्या प्लान है? अबे क्या प्लान है, आगे का घर में बैठो, स्टे होम एंड स्टे से। लेकिन बॉस इंसान तो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। अबे तो वो पागल है ना, अपन थोड़ी है, घर में बैठो, कोरोना के खात्मे तक छुट्टी है, घर में बैठो चिल करो, मिलते हैं कोरोना खत्म होने के बाद। लानत हो तेरे ऊपर भी, लानत है। सो गाइस, वीडियो देख ली है और पिछली बार की तरह इस बार भी इनने बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियो बनाई है और अंत वीडियो बनाई है, भाई बहुत मजा आया। कभी मैं कहता हूँ लेंथी थी मगर थोड़ी, मगर यह कि थ्रू आउट द वीडियो इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ। इनने काफी अच्छा कंसेप्ट भी दिया है कि लोग एक तो बीमारियों को सीरियस नहीं ले रहे, बाहर निकल रहे तो ये हालात हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं, इसलिए अपने घरों में रहें और सेफ रहें। और भाई प्रिकॉशंस प्लीज लें, मास्क पहने और डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस की आज का सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी लोग नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं, तो प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। और दूसरा कि इनने काफी अच्छी इस बार बनाई है वीडियो, पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। लोकेशन इनने जिस तरह ली है और बिल्कुल जिस तरह लुके बनाई है, शैतान की एक हाउस बनाया है, शैतान की इनने चीजें बनाई है, शैतान की जिस अल्लाह ने तो उसके ऊपर भेज रहे हैं, तो काफी अच्छा बनाया है और बहुत जबरदस्त वीडियो बनाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अजय देवगन आपको फिर आके बताएंगे कि क्या करना है। दबा दबा दबा।